Hi everyone, welcome to Genius Professor. This is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको अब तक क्या क्या पढ़ा दिया है, ठीक है ना? तो केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में ये क्लास 11th वालों के लिए वीडियो स्पेशली, ठीक है? देखो मैंने आपको ये करा दिया है, मैं आपको सिंपली वे में बता देता हूँ. चैप्टर नंबर हम लोग कौन सा कर रहे हैं वो भी सब बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर, और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले वो भी बता देता हूँ. देखो चैप्टर नंबर 7 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने स्टार्ट किया, राइट? तो अब इस चैप्टर में देखो मैंने क्या क्या करा दिया, पहले वो देख लो. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ा, तो ये सब मैंने इतना ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं किया आपको सिखाते समय, ठीक है ना? फिर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आपको पता है टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है? ब्लॉक कितने होते हैं, एस पी डी एफ, ये सब मैंने आपको करा दिया है, राइट? और फिर उसके बाद देखो पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने आपको सिखाया है, राइट? अफबाउ प्रिंसिपल, यस और नो, ये आपको मैंने सिखा दिया है, बरोबर? फिर उसके बाद मैंने क्या कराया था आपको, ये ग्रुप के रिगार्डिंग देखिए ना, ये मैंने आपको सब कुछ याद करा दिया, कैसे इसको याद करते हैं निमोनिक्स में, राइट? साइंस इज अ वेरी क्रूवल, ये सब मैंने आपको याद करा दिया, बरोबर कि नहीं? एलिना की रबड़ी सस्ती थी, ये यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है. ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? पीरियड फाइंड आउट करने को बोलता है, ये भी मैंने आपको करा दिया है, यस और नो? हाउ टू फाइंड आउट पीरियड, हाउ टू फाइंड आउट ग्रुप, ये वीडियो आपने जरूर देखा रहेगा, राइट? ये भी मैंने आपको करा दिया है. फिर उसके बाद देखो ध्यान से, ये सब फॉर्मूला आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्यों फॉर्मूला ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली देखिए ना, ये सब फॉर्मूले की जगह पे मैंने आपको ग्रुप के रिगार्डिंग देखिए वो वीडियो में समझाया, ठीक है? तो ये भी आपको इतना करना नहीं है, आपको समझ में आ गया. उसके बाद देखो ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करते, ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया, बरोबर? हमारे 3 वीडियो आ चुके पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग. तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, मैं आपको सिंपली बताता हूँ. देखो ये क्वेश्चन को मैं आपको सिखा देता हूँ. सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन को अभी आज करेंगे हम लोग. देखो प्रॉब्लम नंबर 7.3 है, पेज नंबर 98 है, ठीक है ना? क्लास 11th वालों के लिए वीडियो है, ठीक है? तो देखो ध्यान से, इसमें ना ये लोग बोल रहे कि सर फाइंड आउट करके बताओ पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक, यानी कि पी जी बी फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है ना? पी जी बी फाइंड आउट करना है, इतना क्लियर हो गया? तो देखो सबसे पहले ना ये अपने को डायरेक्टली ना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे दे रहा है 1s2. तो आपको मैंने बताया पीरियड फाइंड आउट करते समय कहाँ का नंबर दिखते, आगे का नंबर दिखते, तो आगे का नंबर इसका 1 है, तो इसका पीरियड भी 1 हो जाएगा, राइट? ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा नंबर देखना रहता है आगे में, सबसे बड़ा, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो AU में देखिए 6 और 5 है, तो इसमें से बड़ा कौन है, 6 है, तो इसका पीरियड 6 हो जाएगा AU के रिगार्डिंग, ठीक है ना? फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद आ रहा है आपको? ग्रुप में मैंने आपको क्या बताया कि जो ऊपर नंबर रहता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2, बरोबर कि नहीं? नहीं समझा? मैं अच्छा चलो आपको बताता हूँ. देखो एकदम सिंपल वे में आपको समझाता हूँ, समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? बस थोड़ा सा ट्राई करो. देखो ध्यान से, अभी ये देखो इस बोर्ड पे देखने की कोशिश करो बस, ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से, हाँ ये चूकना नहीं है आपको इसके अंदर, ये बहुत इजी है और मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे आपके इसके अंदर अगर आपको याद है. देखो ध्यान से, अब 1s2 है, ठीक है ना? अब देखो इसमें ये जो पीरियड फाइंड आउट करना है, तो पीरियड में आपको आगे का नंबर देखना रहता है, राइट? ये 1 है तो ये 1 हो गया, बरोबर? अब देखो सबसे बड़ी बात, अगर अपने को ग्रुप फाइंड आउट करना है तो ग्रुप में अपने को ऊपर का नंबर देखना रहता है. तो ऊपर देखो सबसे बड़ी बात ना कि यहाँ पर ना 2 है, ठीक है ना? और ये किसमें है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में, ठीक है ना? तो एस के रिगार्डिंग अगर ग्रुप फाइंड आउट करना रहता है तो ऊपर जितना नंबर होता है वही उसका ग्रुप होता है. नहीं समझे, वापस से बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल एस ना एक पर्सन है, और एस को ना टपली पड़ती है, तो टपली कहाँ से पड़ती है, ऊपर से पड़ती है कभी भी, राइट? तो टपली इसको कितने की पड़ी, 2 की पड़ी, तो यही इसका ग्रुप हो जाएगा 2. सबको समझा मैंने क्या बताया, वापस से बताता हूँ. देखो जैसे कि ये 1s2 है, तो फिर ये ऐसे एक पर्सन है जिसको टपली पड़ी है 2 की, तो इसका ग्रुप भी हो जाएगा 2. आई होप आपको समझा होगा. अगर बात करें ब्लॉक की, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो मेरा 2 है ये किसमें गया, एस में गया, तो इसका ब्लॉक भी एस हो जाएगा. आई होप आपको समझा होगा, राइट? अब देखो ध्यान से, ये तो मैंने आपको करा दिया है. देखो इसमें जैसे कि 5s2 5p6 है, अब ये 5s2 5p6 को हम लोग करने की कोशिश करते हैं. आई होप आपको ये समझेगा, ठीक है ना? एकदम ध्यान से देखना, 5s2 5p6 की बात कर रहे हैं हम लोग. किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 5s2 5p6 की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अब इसको करने के लिए सबसे सिंपल सा एक तरीका है. देखो अब हम लोग करेंगे इसका 5s2 5p6 का, ठीक है ना? तो देखो सिंपल है, एकदम सिंपल है, मतलब एकदम ही सिंपल है, बस आपको आना चाहिए ये. देखो यहाँ पर ना 5 है, तो देखो इन दोनों में 5 और 5 है, मतलब पीरियड, इससे बड़ा नंबर है क्या कोई, 5 से बड़ा नहीं है ना, तो इसका पीरियड तो 5 हो गया. अब बात करते हैं ग्रुप की. ग्रुप में देखिए ये टपली, यानी कि ये 6 किसको पढ़ा है, ये पी को पढ़ा है. तो पी में आपको पता है, मैंने आपको सिखाया था पहले वाले वीडियोस में, पी में टोटल इलेक्ट्रॉन जाते हैं कम से कम, या फिर ज्यादा से ज्यादा जाएंगे 6. ज्यादा से ज्यादा कितने जाते हैं, 6, याद रखना, ज्यादा से ज्यादा पी में 6 ही जाता है,
केस और मैंने आपको बताया था पी कितनी पुड़िया खाता है, ज्यादा से ज्यादा 6 खाता है, राइट। तो अब अपने को क्या करना है, बस इतना समझना है कि एक बंदा दो लोगों को लेके आएगा। मतलब आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर ना 6 पर्सन है, कितने पर्सन है, 6। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो एक पर्सन है ना, ये अपने जैसे 2 पर्सन को लेके आता है। कितने पर्सन को लाता है, 2 पर्सन को। तो 6 लोग कितने पर्सन को लाएंगे, सीधी सी बात है कितने को लाएंगे, 12। तो आपको ये 12 फिक्स रखना है, कभी भी याद रखना। पी जब भी आएगा तो उसमें 12 क्या रखना है, फिक्स रखना है, ठीक है ना। तो 12 प्लस टपली कितनी पड़ी है, 6। तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा बताओ, 16 17 18। तो इसका ग्रुप आ जाएगा 18, ठीक है ना। अब बात करते हैं ब्लॉक की। ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, पी में गया, तो इसका ब्लॉक हो जाएगा पी। आई होप आपको समझा होगा, सिंपल सी चीज है कि ये जो 12 नंबर है ये फिक्स होगा जब भी टपली पड़ेगी पी को। और कितना जा रही, कितने की पड़ रही है, 6 की, तो वो 6 इधर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझा होगा। अब देखिए ध्यान से, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर भी क्या है, 3 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3 है। तो फिर पीरियड इसका कितना हो जाएगा बेटा, पीरियड तो इसका हो जाएगा 3। यस और नो, इसका पीरियड 3 हो जाएगा। अगर बात करें ब्लॉक की, तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, पी में, तो इसका ब्लॉक हो जाएगा पी। अगर बात करें ग्रुप की, तो देखिए पी में, तो मतलब पी कितने बंदे लाएगा, मैंने आपको बताया था पी लाएगा 12 बंदे। तो 12 प्लस ये कितना है, 4 है। तो 12 प्लस 4 कितना हो गया, 14, 15, 16, इसका ग्रुप हो गया 16, दैट्स इट। इसी तरीके से आपका प्रॉब्लम हो चुका है। अब बात करते हैं आगे के प्रॉब्लम की। चलिए देखिए ध्यान से, ये देखिए अब मैं ना आपको ये देखो, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आप इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 और 5 है, तो इसका पीरियड 6 हो गया। और डी में, तो डी में मैंने आपको सिखा देता हूँ ध्यान से, मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, ध्यान से सीखिए। डी में होता है कि मैं तो डूबूंगा, मेरे बाजू वाले को भी लेके डूबूंगा, मतलब ये 10 प्लस इसके बाजू वाला कितना है 1, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। देखिए तो ग्रुप 11 आ गया इसका, कितना आ गया ग्रुप 11, नहीं समझे, ये वाला और इसके बाजू वाला दोनों को लेना रहता है जब डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, डी में, तो इसका ब्लॉक हो जाएगा डी, दैट्स इट। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं ब्लॉक वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब क्या हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग करने वाले ब्लॉक वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। देखो अपने पास ना 4 ही ब्लॉक है, कितने ब्लॉक है, 4, कौन कौन से, एस है, ठीक है, डी है, पी है और एफ है। तो इनके बारे में ये सब इन लोगों ने कुछ बताया है, तो ये सब चीजें फिक्स है। तो जस्ट आपको इसको सिंपली रट्टा मारना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यस आपने सही सुना, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको जस्ट सिंपली बता देता हूँ, ग्रुप 1 में क्या होता है, अल्कली मेटल्स होता है। फिर उसके बाद ग्रुप 2 में क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है, इतना आपको समझ में आ गया। और देखिए देयर कंपाउंड्स विद एक्सेप्शन लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के बाकी के सब ना आयनिक होते हैं, याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन वाली बात है, तो ये एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज दे हैव ओनली 1 or 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच कैन लूज रेयरली, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से लोग लूज कर सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को, और एम प्लस और एम टू प्लस फॉर्म कर सकते हैं, नहीं समझा, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे कि अपने पास ना लिथियम है, क्या है, लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इधर ध्यान दीजिए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s1, यस और नो। तो देखिए इसके पास 1 है इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर सकता है, यस और नो। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितने का आएगा, 1 प्लस का आएगा, राइट। और ये हमारा लिथियम कैसा मेटल है, तो इसलिए क्या कह रहा है कि एम प्लस का चार्ज आएगा, आपको समझा कि नहीं समझा, समझा रहेगा, राइट। अगर बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिथियम की जगह पे बेरिलियम हो जाएगा, यस और नो, हो जाएगा। और 1s2s2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2s1 की जगह पे आ जाएगा 2s2। अब ये जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसके ऊपर चार्ज किसका आ जाएगा, 2 प्लस का। अरे नहीं समझेगा, जैसे कि आपके पास 1 रुपया है, आपने 1 रुपये खर्चे कर दिए तो आपके पास 1 प्लस का चार्ज आएगा, अगर 2 रुपये खर्चे कर दोगे तो आपके पास 2 रुपये का चार्ज आएगा, यस और नो, क्लियर हो गया, राइट। दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी अलग टॉपिक है, ये आगे आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, तो इसीलिए स्टे कनेक्टेड विद जीनियस प्रोफेसर। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी तो स्टार्ट हुई है। देखिए ध्यान से, जैसे कि आप लोग को मेरी चीजें समझ में आ रही नहीं है, तो चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, ठीक है ना, क्योंकि योर सपोर्ट मैटर्स। अब आगे चलते, देखिए आप लोग को मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधी सी बात है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक, अब डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है याद रखिएगा, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 से लेकर के 18 तक। डी नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं पी की, याद रखिएगा, थोड़ा सा ये मत समझिए, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा ही हमेशा नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स टुगेदर विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मतलब सुनो, पी ब्लॉक जब एस ब्लॉक के साथ होगा तब उसे कहेंगे मेन ग्रुप एलिमेंट्स, याद रखिएगा, पी जब एस के साथ होगा, ध्यान से सुनिए, मैं वापस से कहता हूँ, एस को एड करो पी के साथ, तो देखिए ना एस और पी ये मेन ग्रुप है, क्यों, क्योंकि एस ने और पी ने दोनों ने एक तरीके से होल्ड करके रखा है डी को, ये सब नो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो डी ना इन दोनों के बीच की कड़ी है एस और पी को जोड़ने की, और आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एस और पी के वजह से क्या है, डी है, अगर पी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे, अगर एस नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा, और एस नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं होगा,
समझिए कि नहीं समझे, मस्त घुमाया कि नहीं घुमाया, घुमाया ना। अब देखो नेक्स्ट, द लास्ट ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक नेमली 18 ग्रुप। 18 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ना एक हीलियम है जो कि एक एक्सेप्शन का केस है, उसमें डुबलेट होता है। क्या होता है डुबलेट, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 1s कितना रहेगा 2 जाएगा, तो डुबलेट है। बाकी सारे के सारे ऑक्टेट रहते हैं, यानी कि क्या उनमें लास्ट में ना 2 और 6 रहता है, यानी कि एस में 2 होगा और पी में 6 होगा, तो 6 + 2 कितना हो जाता है 8, यानी कि ऑक्टेट। आई होप क्लियर होगा। अब समझ लीजिए, ग्रुप 17 को हम लोग बोलेंगे हेलोजन फैमिली, ग्रुप 16 को बोलेंगे चालकोजेंस, ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ना एक जिगजैग लाइन भी आती है, कैसी लाइन आती है बेटा, एक जिगजैग लाइन आती है, कैसी लाइन आती है वापस से बताइए, एक जिगजैग लाइन आएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए, बस 2 मिनट देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर ना एक जिगजैग लाइन आएगी, कैसी लाइन आएगी, जिगजैग लाइन, ये देखिए जिगजैग 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 लाइन। तो फिर यहाँ पर ना मेटलॉइड्स रहता है और यहाँ पर मेटल्स रहते हैं और ऊपर के साइड में नॉन मेटल्स रहते हैं, ऐसे ही होता है, बरोबर की नहीं। अब आगे चलते देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग ज्यादा कुछ है नहीं, जितना कुछ था मैंने आपको सब बता दिया है। अब आगे चलते देखिए ध्यान से, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने कुछ कुछ बताया, इनको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। देखिए द नॉन मेटालिक कैरेक्टर एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये आप याद रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट में मूव करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, वेयर इट डिक्रीजेस फ्रॉम व्हेन वी गो डाउन अ ग्रुप। मतलब याद रख लेना बेटा, सिंपल सी बात है, जब आपको नॉन मेटालिक कैरेक्टर आप जब नीचे की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, ग्रुप में। और जब आप पीरियड में जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं सीटी के रिगार्डिंग, समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे चलते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक। सो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अब ना आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक्स सुनाने जा रहा हूँ डी ब्लॉक की, उसके पहले मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बोलिए इरशाद। इरशाद, अभिषेक सर इज बेस्ट, अभिषेक सर इज बेस्ट, शायरी शायरी मत कर ज्यादा, संडे को है तेरा टेस्ट। एक काम करो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट है हमारा, देखो डी और एफ पढ़ लेते हैं, बस इस लेक्चर में यही हो गया, दैट्स इट। अब देखो डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट है, 3 से लेकर 12 तक, कितने से रहता है, 3 से लेकर 12 तक रहता है, ये सब सीटीयूटी में पूछता है, ठीक है ना। सारे के सारे मेटल से, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसे कि सारे के सारे मेटल है ना, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। इसके बाद ये लोग ना ब्रिज के ऐसा काम करते हैं किसके किसके, एस और पी के बीच में, इतना समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फिर ध्यान से सुनिए, बिटवीन केमिकली रिएक्टिव एज बिटवीन एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 14, मतलब इतने के बीच के बीच में ये लोग, ठीक है ना, 3 to 12 एस और पी के बीच में, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, डी किसके बीच में, एस और पी के। फिर इसके बाद ध्यान से सुनिए, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट पोजेस पार्शियली फिल्ड इनर डी ऑर्बिटल्स, इनमें ना पूरे पूरे फील्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ये भी याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट पैरामैग्नेटिज्म आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसका कुछ इशू नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि डी ब्लॉक है, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो इसका मतलब डी ब्लॉक है, दैट्स इट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक समझ लेते हैं, एफ ब्लॉक में कैसा रहता है, नीचे की तरफ रहते हैं, इसमें 14 एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है ना, लैंथेनाइट सीरीज होता है, एक्टिनाइट सीरीज रहता है, मैंने आपको कराया था राइट, ला हफ्ता तक ले, नहीं नहीं ये तो डी में था राइट, सीने पर न दिया प्रेम की समाई, यही गद गद तब्दील हुआ और तुम लाजवाब लगते हैं, थोड़े पापड़ दिन आपको पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम गुड़ा ऐसा, ये सब मैंने आपको करा चुका राइट। ये देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे डी ब्लॉक में है, और सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, लैंथेनाइट्स आर ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप ये सब छोड़ रहे हो, अरे बेटा ये सब कुछ नहीं है, देखिए ना ध्यान से, दिस सीरीज आर नेम्ड आफ्टर द प्रीसीडिंग एलिमेंट्स लैंथेनम, लैंथेनम के बाद रखा गया है इनको, ठीक है ना, एंड एक्टिनम इन द थर्ड ग्रुप ऑफ द डी ब्लॉक ऑफ द 6th एंड 7th पीरियड रिस्पेक्टिवली, इनका पीरियड क्या रहता है, 6th और 7th पीरियड रहता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, द लैंथेनाइट्स आर ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इसमें जो मार्क करने लायक की ये चीज है, लैंथेनाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द दिस सीरीज ये एफ शेल में जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इन्हें कहते हैं हम, दीज एलिमेंट्स हैव वेरी सिमिलर प्रॉपर्टीज विद इन ईच सीरीज, मतलब इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज सेम रहती है। द एक्टिनाइट, अब एक्टिनाइट के बारे में बात करते हैं, देखिए ध्यान से, द एक्टिनाइट एलिमेंट बियॉन्ड रहता है 92 यूरेनियम के बाद रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम कहते हैं, याद रखिएगा यूरेनियम के बाद रहता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, समझे कि नहीं समझे, ये सब चीजें मार्क कर लीजिए। ऑल द ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स आर मैन मेड एंड रेडियो एक्टिव, मतलब इंसानों ने बनाया और सारे के सारे कैसे रेडियो एक्टिव है। तो चलिए आगे वाले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज। चलिए मैं आपको मिलूंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे कनेक्टेड विद जीनियस प्रोफेसर, एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे इस पर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और ये मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, राधे राधे।